हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे आरबीआई राजभाषा में पिछले वर्ष पूछे गए राजभाषा से संबंधित प्रश्नों के विषय में। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगातार राजभाषा से संबंधित पूछे जाते हैं, आज उन्हीं प्रश्नों पर एक चर्चा। देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो देखिए इसमें से अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के विषय में बात करता है, तो यह सुमेलित है और ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा पर एक संसदीय समिति बनेगी और राजभाषा आयोग बनेगा, ये भी बिल्कुल सुमेलित कथन है। और अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा के विषय में बात करता है, जो कि बिल्कुल सुमेलित है। किंतु अंतिम कथन अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा की बात नहीं करता है। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देशित है, अर्थात वह कहता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उत्थान करे, जिससे वह भारत की मिश्रित संस्कृति के लिए अभिव्यक्ति का साधन बन सके। तो यहाँ पर अनुच्छेद 351 बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, यहाँ पर अनुच्छेद 351 सुमेलित नहीं है, अतः यह इसका घ उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी ही होनी चाहिए, यह प्रस्ताव सर्वप्रथम संसद में प्रस्तावित करने वाले थे पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक और जैसा कि आप देख रहे हैं गोपाल स्वामी अयंगर, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। और गोपाल स्वामी अयंगर के विषय में यदि बात करें तो संविधान सभा की निर्मात्री समिति के सदस्य थे, राज्यसभा के नेता थे, भारत की पहली मंत्री परिषद में कैबिनेट के मंत्री थे और साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो इसका सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मौलिक लेखन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राजभाषा विभाग द्वारा दो पुरस्कार घोषित किए गए हैं मुख्य रूप से, एक तो राजभाषा गौरव पुरस्कार और एक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। लेकिन मौलिक लेखन के क्षेत्र में राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है और हिंदी दिवस पर उन लोगों को दिया जाता है जो ज्ञान विज्ञान पर मौलिक पुस्तकों की रचना करते हैं, और ये पुरस्कार तकनीकी और विज्ञान से जुड़े हिंदी भाषा के पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। उसका सही उत्तर होगा राजभाषा गौरव पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में ये कहा गया कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा जारी रहेगी, अर्थात संघ के जितने भी कार्य है वह द्विभाषी होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सरकार अपने काम करेगी, अंग्रेजी भी सहायक भाषा के रूप में हिंदुस्तान में जारी रहेगी। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था वह था उदंड मार्तंड और इसका प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक श्री जुगल किशोर सुकूल थे और उदंड मार्तंड के प्रथम प्रकाशन की तिथि 30 मई को थी, जो कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में आज भी मनाई जाती है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका उत्तर है 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है, और जैसा कि हमें पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित 22 भाषाएं सम्मिलित है, किंतु आरंभ में इसमें केवल 14 भाषाएं ही थी, धीरे धीरे करके इसमें भाषाएं जुड़ी, जिसमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया
और ये 21वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। उसके बाद 1992 में इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा जोड़ी गई। तो तीन भाषाएं इसमें फिर से 1992 में जोड़ी गई और फिर 2003 में इसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा है। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ की भाषा मुख्य रूप से अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अधीन क, ख, ग क्षेत्र में से ख क्षेत्र का तात्पर्य है। जैसा कि आपको पता है कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष को भाषा के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख, ग क्षेत्र, जिसमें से क क्षेत्र पूर्ण रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र है, ख क्षेत्र अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र है और ग क्षेत्र अंग्रेजी भाषी क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं। तो ख क्षेत्र की यदि बात करें तो ख क्षेत्र अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र है। क क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान इत्यादि आते हैं जो कि हिंदी भाषा को समझते भी हैं और बोलते भी हैं। ख क्षेत्र में अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र आते हैं जो कि हिंदी को समझते तो हैं लेकिन बोलते नहीं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली। तो इसका सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। अभी हमने चर्चा करी थी तो नेपाली इसमें सम्मिलित है, कश्मीरी भी सम्मिलित है और सिंधी भी सम्मिलित है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। और ये क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक सहायक भाषा के रूप में ही कार्य कर रही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा घ। यदि आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के भी उत्तर जानना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे राजभाषा ऑनलाइन कोर्स के साथ, जहां पर आपको वीडियो लेसन्स मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, आपके लाइव सेशन भी मिलता है और साथ ही इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलता है। तो आई एग्जाम बी के मार्गदर्शन में आप RBI ग्रेड A राजभाषा ऑनलाइन कोर्स की तैयारी कर सकते हैं।